सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, आज हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। जो बॉडीज होती है, कोई भी रिजिड बॉडी होती है, उनकी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूं, तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, हम लोग कह सकते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। दैट मींस टू से, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे जिस पर पूरी बॉडी का वेट काम करेगा। जैसे एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर हमारा वर्क होगा, इस पॉइंट पर 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 होगा। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का वेट होगा, द लाइन ऑफ एक्शन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स W। तो ये पार्टिकल्स है, इनका एक वेट होगा W1, इनका एक वेट होगा W2, इनका एक वेट होगा W3, इसका एक वेट होगा W4। तो ये सारे पार्टिकल्स का अपना अपना एक वेट होता है और इनका एक रिजल्टेंट वेट आएगा, यानी कि ओवरऑल अगर मैं सभी पार्टिकल्स का वेट का सम करूंगा तो इसका एक ओवरऑल वेट आएगा, दैट इज कैपिटल W। तो यहाँ पे ये टोटल वेट आएगा और ये टोटल वेट, अगर मैं यहाँ हर एक पार्टिकल की बात करूं तो हर एक पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट जा रहा है। तो ये बॉडी भी नीचे की डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ये बॉडी नीचे की डायरेक्शन में कैसे जाएगी, तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये बॉडी नीचे की डायरेक्शन में कैसे जाएगी, तो इसका जितना वेट होगा, इस बॉडी का जितने पार्टिकल्स होंगे, उन सभी पार्टिकल्स का सम, उन सभी पार्टिकल के वेट का सम अगर मैं करूंगा तो मुझे कैपिटल W मिलेगा। और ये जिस ये कैसे वर्क करेगा, ये इस बॉडी के किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर वर्क करेगा और उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। इज दैट क्लियर? आइए फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू एक्ट एज दिस पॉइंट हाउसोएवर द बॉडी इज प्लेस्ड। यानी कि बॉडी जिस कंडीशन में प्लेस की गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी के हर एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग, बॉडी के हर एक पार्टिकल के वेट के अकॉर्डिंग इस बॉडी का एक ओवरऑल वेट होगा जो कि एक पॉइंट पर शिफ्ट होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ बातें होगी। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट्स दिया है। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ऑफ अ गिवन मास इज डिपेंडेंट ऑन इट्स शेप। शेप मीन्स, अगर बॉडी की शेप के बारे में हम बात करते हैं, बॉडी के शेप, अगर ये बॉडी इस शेप में, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से हुआ तो इस पे डिपेंड करेगा, बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से हुआ तो इस पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारी, वो बॉडी के शेप पर डिपेंड करेगा। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल इन इट। अब इस शेप में मास पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, यानी कि अगर बॉडी इधर से ज्यादा डेंस है, यानी कि ये पोर्शन ज्यादा इसका हैवी है और ये पोर्शन लाइट वेट का है, तो भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर मूव कर सकती है। इसी तरीके से जितनी भी रेगुलर बॉडीज हैं, तो पहले तो उनकी शेप, शेप के साथ साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करेगा। आगे कह रहा है, इट चेंजेस इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। अगर बॉडी डिफॉर्म होती है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अगर बॉडी डिफॉर्म होती है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होगी। Then it means to say, अगर मान लीजिए मैंने एक कैन लिया, मैंने एक कोई कैन ले लिया, अभी इस कैन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए इस पॉइंट पर है, अगर मैं इसको क्रश करूंगा तो कैन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्रश होने के बाद कैन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, देन आफ्टर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी मूव हो सकती है। तो ये जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म करता हूं, यानी कि उसकी शेप और साइज में चेंज लाता हूं, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हो जाता है बेटा, चेंजेस आ जाते हैं। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेप और साइज पर भी डिपेंड करती है, साथ ही साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी
ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ बॉडी, देन इट मींस टू से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के अंदर, यानी कि मटेरियल की जो बॉडी है उसके अंदर हो, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग के अंदर, ये केवल और केवल रिंग है, ना रिंग के अंदर कोई इसका मटेरियल है, ना ही रिंग के बाहर, जो भी है केवल इसके पेरीमीटर यानी कि इसके सर्कमफेरेंस पर ये मटेरियल है। तो इसका सेंटर ऑफ, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी, इसके सेंटर पर लाई करती है, जो कि यहां पे मटेरियल है ही नहीं। तो यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करने का मतलब ये हो गया कि कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के बीच में नहीं लाई होती, यानी कि ये कंपल्सरी नहीं है कि वो विद इन द बॉडी हो, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के विद इन हो, ऐसा कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बाई द कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है, बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉइंट पार्टिकल ऑफ द वेट W एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन इट मीन्स टू से जितने भी पार्टिकल, अगर मैं यहां इस फिगर की मैं बात कर रहा हूं, इस फिगर में अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, तो ये सभी पार्टिकल का वेट मैंने W, इसे स्मॉल W एंड W2 करके मैंने माना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू कैपिटल W। तो इस पूरी बॉडी का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का वेट होगा वो इसके टोटल ओवरऑल वेट के सम के क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल हो जाएगा। और यही पॉइंट जहां पर पूरा वेट वर्कआउट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को। अभी आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास रेगुलर शेप्स होते हैं तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करती है, कैसे लाई करती है, उनको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा हमारे पास लिखा है ऑब्जेक्ट एंड द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं यहां बात करता हूं ऑब्जेक्ट्स और उनके पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी उनकी पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, तो हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात कर रहा है रॉड की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ रॉड लिखा हुआ है, तो ये रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या होती है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अब देखिएगा ये फिगर है, ये हमारा रॉड का फिगर है, तो इस रॉड का मिड पॉइंट कहाँ है बच्चा, इस रॉड का मिड पॉइंट है ये पॉइंट जी, इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, यानी कि इस रॉड का मिड पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर। अब ये ज्योमेट्रिक सेंटर पर हमारी होती है, तो अगर मैं बात करता हूं सर्कुलर डिस्क की, तो आप यहां देखेंगे कि ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है, और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका ये सेंटर पॉइंट होता है ज्योमेट्रिक सेंटर, तो इस सर्कुलर डिस्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिक पॉइंट पर है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सॉलिड हॉलो स्फीयर, अब देखिए बात कर रहा है सॉलिड हॉलो स्फीयर की। अगर मैं सॉलिड हॉलो स्फीयर की बात करूं तो उसका जो पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अगर मैं सॉलिड हॉलो स्फीयर की बात करता हूं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर उस बॉल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, स्फीयर तो स्फीयर के अंदर ही रहेगा, तो ये जो सेंटर पॉइंट आएगा यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर जो आएगा वो इस हॉलो या सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन हो जाएगी। नेक्स्ट सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर, अगर बात करते हैं सॉलिड और हॉलो सिलेंडर की, तो सॉलिड और हॉलो सिलेंडर का अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो अगर मैं इस सिलेंडर की बात करता हूं, ये एक सिलेंडर है, अगर आप देखेंगे तो इस सिलेंडर के सबसे पहले तो ये जो सर्कुलर पार्ट होता है यानी कि बेस पार्ट, इस सर्कुलर पार्ट का भी एक सेंटर होता है, दैट इज हियर, ये एक सेंटर पॉइंट होगा इस सर्कुलर पार्ट का, और इन सर्कुलर पार्ट के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन, तो ये लाइन जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है इसी को हम लोग बोलते हैं द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये लाइन क्या हो जाती है बच्चा, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर बन जाएगी, और इस एक्सिस का एक मिड पॉइंट होगा,
इसी मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सिलेंडर हॉलो हो या सॉलिड हो, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो वही कह रहा है सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, देन द मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो भाई मिड पॉइंट तो समझ में आता है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या है, जो दोनों बेस होते हैं हमारे सर्कुलर बेस उनके सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और उस एक्सिस का एक मिड पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हॉलो और द सॉलिड सिलेंडर। नेक्स्ट सॉलिड कोन, अगर मैं बात करता हूं सॉलिड कोन की, तो सॉलिड कोन का जो पोजीशन होती है, सॉलिड कोन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होती है, वो होती है एट द हाइट ऑफ एच बाई फोर। एच बाई फोर यानी कि कोन की जो टोटल हाइट होगी उसके बाई फोर फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि एक ये कोन मैं बनाता हूं, देखिएगा, चलो मैं इसको फिर से बनाता हूं। देखिएगा ये कोन टाइप में है, तो इसका ये एक सेंटर पॉइंट होगा, दैट इज द सेंटर पॉइंट। कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर बेस होता है, ये सर्कुलर बेस का एक सेंटर पॉइंट होगा और यहां से एक लाइन जो जाएगी इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी, दैट इज द हाइट। ये लाइन क्या हो जाएगी, हाइट, दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट ओ। सो एओ इज कंसीडर्ड एज द हाइट ऑफ द कोन, तो ये हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, एट द हाइट ऑफ एच बाई फोर फ्रॉम द बेस, तो एच बाई फोर की पोजीशन कहीं यहां पर आएगी, दैट इज जी। तो जी और जी से ओ की डिस्टेंस देखेंगे, जी ओ, तो जी ओ इज द एच बाई फोर यानी कि टोटल हाइट का बाई फोर होता है। तो यहां पर सॉलिड कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है बच्चा, इज दैट क्लियर, गुड। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं हॉलो कोन की, तो हॉलो कोन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो एच बाई थ्री यानी कि टोटल हाइट के अपॉन थ्री। तो अगर यही चीज हमारी हॉलो कोन हो जाती है तो वो एच बाई फोर की जगह एच बाई थ्री पर लाई करती है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होता है इसमें, इसलिए पोजिशन चेंज हो जाती है। सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है बेटा वो सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग का मतलब क्या होता है, देखिएगा अगर मैं सर्कुलर रिंग की बात करता हूं, तो हमारे पास ये एक सर्कुलर रिंग है, तो इस सर्कुलर रिंग की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट है। केवल इसका जो मास मटेरियल है वो इसके सर्कमफेरेंस पर ही होता है। नेक्स्ट ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना और द स्केलन ट्रायंगल। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर लैमिना है, इसको मैं स्केलन ट्रायंगल भी बोल सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं मैं। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है बेटा वो कहां लाई करती है, देखिएगा द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस वो लाइंस होती हैं जो कि वर्टेक्स से आती हैं और सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि वर्टेक्स से आने वाली लाइन जो कि सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो ये मीडियन लाइंस होती हैं, तो जो मीडियन लाइंस होती हैं और मीडियन लाइंस का जहां इंटरसेक्शन होता है, मीडियन लाइंस का जहां इंटरसेक्शन होता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना और स्केलन ट्रायंगल, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा आगे बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, फोर साइडेड फिगर है, रेक्टेंगुलर लैमिना जो कि रेक्टेंगुलर फिगर के बेस पे होगा, स्क्वायर और रंबस, ये जितने भी फिगर हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर लैमिना हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ये जितने भी फिगर हैं, इन सारे फिगर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो लाई करेगी फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, उनके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पर लाई करेगी। तो देखिएगा हमारे पास फिगर है, सबसे पहले फिगर आता है हमारे पास रेक्टेंगल का, ये एक लाइन है जो कि रेक्टेंगल की डायगोनल है और एक लाइन ये है रेक्टेंगल की डायगोनल, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल फिगर।
पैरेललोग्राम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, इसी तरीके से रोम्बस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारी ऐसे ही बन जाएगी। ये हमारी रोम्बस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आएगा यहां पर, दैट इज जी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हर एक फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन हमें मालूम होती है। तो हमें ये पोजीशंस हमेशा दिमाग में रखनी है, उनकी पोजीशंस कहां होती है। इज दैट क्लियर बच्चा? तो ये चीज आपको अच्छे से तैयार करनी होती है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई इरेगुलर बॉडी है, जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे पास कोई इरेगुलर बॉडी है जिसकी शेप के बारे में आप परफेक्टली कुछ कह नहीं सकते। इरेगुलर बॉडी इसका मतलब जिसकी शेप के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी जो लेमिनाज होते हैं या फिर ऐसी जो बॉडीज होती हैं जो कि इरेगुलर शेप में होती हैं, हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, हमारे पास यही एक तरीका है कि हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, डिटरमिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लेमिना बाय द मेथड ऑफ द बैलेंस यूजिंग प्लंप लाइन। एक यूज मेथड होता है जिसे हम कहते हैं प्लंप लाइन मेथड। आइए इसको समझते हैं कैसे करना है। बहुत ही इजी मेथड होता है। कह रहा है टेक ए लेमिना विद थ्री होल्स नियर द पेरिफेरी ऑफ द लेमिना। आपको कोई भी बॉडी लेनी है और उसमें तीन होल्स बना लेने हैं, मान लीजिए। नाउ सस्पेंड द लेमिना थ्रू देम वन बाय वन। अब हर होल से एक एक बार उसे लटकाना है। आगे कह रहा है ड्रॉ ए लाइन ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर ईच सस्पेंशन पॉइंट। हर एक सस्पेंशन पॉइंट की एक लाइन बनाएंगे आप। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री लाइन्स वुड बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, और इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कैसे करेंगे देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहां पे समझाता भी जाता हूं। देखिएगा, अभी हमारे पास ये फिगर है, हमें यहां तीन होल लेने हैं। तो पहला होल हमने यहां लिया, दैट इज द फर्स्ट होल। दूसरा होल हमने यहां लिया, दैट इज द सेकेंड होल। ठीक है, और ये हमारा पहला होल था। फिर हमने थर्ड होल कहां ले लिया, दैट इज द थर्ड होल। तो वेयर इज आवर फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द सेकेंड वन, एंड दैट इज द थर्ड वन। तो हमारे पास ये तीन होल हमने लिए, बाकी के होल्स काम के नहीं अभी। तो हमने क्या किया, पहले होल पे, अगर मैं बात करता हूं पहले होल की, तो पहले होल से हमने इस लेमिना को क्या किया, लटकाया। और फिर हमने एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, एक वर्टिकल, एकदम वर्टिकल लाइन बनाई उस पर। और जब हम इस पर वर्टिकल लाइन बनाते तो इस बॉडी का शेप किसी भी तरीके से एडजस्ट हो सकती है। तो ये डाउनवर्ड ये आ रहा है, तो हमने एक लाइन बना ली ये। तो हमारी लाइन बन गई इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट टू, सेकेंड पोजीशन के होल से फिर से उसको क्या किया, निकाला और फिर से लटकाया। तो जब मैं सेकेंड पोजीशन से लटकाता हूं तो फिर मुझे एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मुझे फिर से एक लाइन बनानी है जो लाइन यहां से जाएगी। अब देखेंगे कि पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन एक दूसरे को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। चलो एक और लाइन देख लेते हैं। तो मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं, तो जब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं और फिर से लेमिना को क्या करता हूं, हैंग करता हूं, तो मुझे फिर से एक लाइन मिलती है जो मुझे बनानी होगी। तो मैं फिर से वो लाइन बनाता हूं और वो लाइन भी बनती है। और वो दोनों लाइन, ठीक है, जो दोनों लाइन पहले एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पोजिशन पर कर रही थी, उसी पोजिशन पर तीसरी लाइन भी इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी। और दैट पॉइंट, यहां पर इनका जो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इरेगुलर लेमिना। एक इरेगुलर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कैसे फाइंड करनी होती है, हमें उसमें तीन होल्स करने होते हैं या तो फिर हमें तीन पॉइंट करने होते हैं, जिन थ्री पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, उनको हैंग कर सकते हैं और उन पर एक वर्टिकल लाइंस खींचती जानी है। वो तीनों लाइन एक दूसरे को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहलाएगा। तो हमें कभी भी अगर इरेगुलर बॉडीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करनी है तो हम बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। देखो ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो एक टर्म इसके साथ मैं और ऐड करता हूं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? अगर मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ मास की, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और अ सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी और ऑल द मासेस ऑफ ए सेट ऑफ पार्टिकल प्रिपेयर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि पूरी बॉडी पर
एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास वर्क करता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता हुआ दिखाई देता है, समझ में आता है, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिफर होता है बेटा, सेम नहीं होता है। उनकी पोजीशंस में भी सेम हो सकती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अभी देखिएगा, मैं नीचे आपको डिफरेंस भी बता देता हूं। यहां लिखा है डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बातें करता हूं, देखिएगा क्या डिफरेंस क्या लिखा है। देखिएगा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेस्ड ऑन वेट, यानी कि बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसके हर एक पार्टिकल के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। वेयर एज द सेंटर ऑफ मास इज बेस्ड ऑन मास, जो मास है वो मास पे डिपेंड करता है। सो व्हेन द ग्रेविटेशनल फील्ड अक्रॉस द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म शेप में है, द टू आर आइडेंटिकल, वो दोनों की वैल्यू मतलब दोनों आइडेंटिकल होंगे। हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट्स इंटर स्पेशली वेयरिंग ग्रेविटेशनल फील्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीओजी मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉग, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल मूव क्लोजर टू द रीजन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रॉन्गर फील्ड, वेयर एज द सेंटर ऑफ मास इज अनमूव्ड, वेयर एज द सेंटर ऑफ मास इज अनमूव्ड। तो पूरी बॉडी पर जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वो मूव नहीं कर रहा है, वो एक ही पोजीशन पर है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो सकती है, चेंजेबल होती है। तो बॉडी को डिफॉर्म करने से या कुछ करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे फिगर होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई करता है। तो अगर मैं बात करता हूं एक सिंपल सी रॉड की, रॉड का मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोगों ने यहां पढ़ा है कि रॉड का मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यही पॉइंट हमारे लिए सेंटर ऑफ मास का भी काम करेगा। दैट मिड पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, इज दैट क्लियर। सेम एज सिलेंडर में भी वही होगा, स्क्वायर में भी होगा, पैरेललोग्राम में भी होगा, रेक्टेंगल में भी होगा, ट्रायंगुलर लेमिना में भी होगा, डिस्क में होगा, लेकिन रिंग में नहीं होगा। रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां लाई करेगी, यानी कि इसके मटेरियल पे लाई नहीं करेगी, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई नहीं करेगा। इज दैट क्लियर, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई नहीं करेगा। चेचा ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने ये जाना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दो डिफरेंट चीजें होती हैं, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा और इसको लेके कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इज दैट क्लियर, होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीजें देखेंगे, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तब तक आप लोग मन लगाइए, पढ़िए, बाय बाय।